जब कोई गर्भवती महिला 8वें या 9वें महीने में आके अल्ट्रासाउंड कराती है और उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है कार्ड अराउंड नेक, ये सुनते ही महिला कभी टेंशन में आ जाती है, स्ट्रेस में जाती है और सोचने लगती है पता नहीं मेरे बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कार्ड अराउंड नेक। कार्ड अराउंड नेक एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। ये 15-30% गर्भवती महिलाओं में दिखाई देती है, यानी 4 बच्चे में से एक बच्चे को ये फाइंडिंग दिखाई देती है। जब बच्चा मूवमेंट करता है तो ये बाई चांस बच्चे के गर्दन के साइड में आ जाती है या उसको चारों तरफ रैप कर लेती है। लेकिन जब बच्चा थोड़ी देर बाद मूवमेंट बंद करता है या फिर से दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करता है तो ये अपने आप ही गर्दन से अलग हो जाती है और हट जाती है। और जब हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें ये कार्ड अराउंड नेक दिखाई नहीं देती है। महिलाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसी फाइंडिंग आती है अल्ट्रासाउंड में तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। ऐसे पेशेंटों की हमें एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। नॉर्मली हम 8वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंटों में जिसमें कार्ड अराउंड नेक फाइंडिंग लिखी होती है उसमें हम एक 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक 9वें महीने में के स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर उसके 15 दिन बाद भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है और ऐसे महिलाओं की थोड़ी सी मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉर्मली बेबी क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूड में रहता है। बेबी के चारों तरफ जो पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं और इसमें बेबी घूमता रहता है, कभी सीधा हो जाता है कभी उल्टा हो जाता है। जैसे स्विमिंग बच्चे करते हैं उसी तरह से बेबी इस पानी में घूमता फिरता रहता है और घूमते घूमते कभी कभी उसके गर्दन के चारों तरफ अम्बिलिकल कार्ड चारों तरफ लपेट जाती है। इसको ही डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट कार्ड अराउंड नेक मेंशन कर देते हैं। अगर कार्ड का सिंगल लूप एक लूप बच्चे की गर्दन के चारों तरफ पड़ा होता है तो इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर बेबी के गर्दन के चारों तरफ 2-3 लूप या मल्टीपल लूप्स होते हैं और वो टाइटली बेबी की गर्दन को प्रेस करते हैं तो भी जो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस नहीं होती हैं, क्योंकि नेचर ने भी एक अच्छा प्लान बना के रखा है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके ऊपर एक चिपचिपा सा जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जो कार्ड को प्रेस नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो कार्ड में ब्लड वेसल्स होती हैं वो माँ का खून बच्चे के को पहुँचाती रहती हैं। इसके कार्ड अराउंड नेक में हम माँ को फीटल मूवमेंट काउंट करने के लिए बोलते हैं कि वो महिला 24 घंटे में बच्चे के मूवमेंट काउंट करे। नॉर्मली 24 घंटे में बच्चा 8 से 10 मूवमेंट करता है, 8 से 10 बार घूमता है। दिन और रात मिला के बच्चा 8 से 12 मूवमेंट करता है। अगर किसी कारणवश महिला को ये फील होता है कि इस समय बच्चा नहीं घूम रहा है तो उसे जाके अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और कार्ड अराउंड नेक में डॉक्टर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और देखते हैं कि बच्चे की जो कार्ड है अम्बिलिकल कार्ड है वो बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है। अगर कार्ड कंप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से जो बच्चे को ब्रेन में ब्लड जाता है उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो सकती है, और ऐसे बच्चों में हम जब कलर डॉपलर डालते हैं तो ये हम जो ब्रेन में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होती है उसमें ब्लड फ्लो डाल के देखते हैं कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अरे, कार्ड अराउंड नेक के क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे जो मेन कारण है वो है एक्सेसिव फीटल मूवमेंट। जब बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान होता है, बहुत ज़्यादा पेट में माँ के पेट में कूदा फांदी करता है तो बच्चे के चारों तरफ कार्ड आ जाती है। नंबर 2, लॉन्ग अम्बिलिकल कार्ड। नॉर्मली जो अम्बिलिकल कार्ड की लेंथ होती है दैट इज़ 60-70 सेंटीमीटर। अगर ये कार्ड की लेंथ 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो कार्ड कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है और स्पेस तो है कम, तो जब कार्ड लंबी होगी तो वो कार्ड फोल्डेड की पड़ी रहती है और ये बच्चे की गर्दन के चारों तरफ भी फोल्ड बना सकती है। पॉलीहेड्रोमियोमा मीन्स क्या होता है, जब अगर बेबी के चारों तरफ पानी ज़्यादा होता है तो भी कार्ड अराउंड नेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर 2 या 3 बच्चे होते हैं तो भी कार्ड अराउंड नेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्ड अराउंड नेक के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं?
तो अगर कार्ड टाइटली बेबी की गर्दन को कंप्रेस करती है, ब्लड वेसल को कंप्रेस करती है, तो ब्लड फ्लो, बच्चे को जो ब्लड फ्लो जाता है उसकी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की दिल की धड़कन कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। इसको फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। नंबर टू, नॉन प्रोग्रेसिव लेबर। अगर बच्चे की चारों तरफ कार्ड होती है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो सर्विक्स होता है उसका फुली डायलेशन नहीं होता है। ऐसे केसेस में बच्चे का इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।